लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, जहां सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि दो दिन पहले ही सीएम केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन उसके अगले ही दिन उन्हें ईडी ने नवा समन जारी कर दिया। एक के बाद एक समन लगातार अरविंद केजरीवाल के पास ईडी द्वारा पहुंच रहे हैं। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बताते चले कि सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड के टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय की शोधन की जांच कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, जहां सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कम होने का नाम तो फिलहाल मुश्किलें उनकी नहीं लग रही हैं। बता दें कि दो दिन पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली थी और अब उनसे अगले ही दिन उन्हें ईडी ने नवा समन भी जारी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड के टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय की शोधन की जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल से ये जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर ईडी द्वारा समन जारी किया गया है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये नवा समन होगा अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को यह नवा समन जारी किया गया है ईडी के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें तो पिछले ही दिनों अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली थी। ईडी इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव तिवारी जी जुड़ गए हैं। जी राजीव जी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब देखिए, दो तीन दिन पहले की बात है, जब कोर्ट से उनको जमानत मिली तो लग रहा था कि बस अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम हो गई हैं, या ईडी, ये कोर्ट, ये समन का चक्कर खत्म होगा और अब अरविंद केजरीवाल चूंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है तो वो प्रचार प्रसार में जुटेंगे। लेकिन देखिए, फिर से एक नई मुश्किल, फिर से ईडी का समन, जबकि मामला कब का है? 2022 का है। अब क्या लगता है आपको, ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना और समन जारी करना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की और खुद आम आदमी पार्टी जो आप पार्टी थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिलती हुई नजर आई, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत थी और उसके बाद अगर आप पार्टी में कई ना कहीं आम आदमी पार्टी कम होती की कटार पर मिल सकती है, मगर यहाँ पर बात जिस तरीके से 2020 के चुनाव की और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहत तो लगता था कि 2020 के चुनाव जो है वो क्या कहिए, आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी तरीके से आप लड़की में जरा इस पर। यहाँ पर अब इस तरफ से नोवा नोटिस जो है वो ईडी की तरफ से बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की जा चुका है और अरविंद केजरीवाल को उसमें पेश होना पड़ेगा। मगर यहाँ बात करें 2024 के अंदर जनपुर विभाग के द्वारा जो घोषणा किया जा रहा था उसके अंदर कहीं ना कहीं अब पूछताछ जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर जमानत के बाद ही यानी एक दिन पहले जमानत ईडी का नोटिस जो है फिर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आई, जाकर कहीं ना कहीं ईडी का इस्तेमाल किया गया और जैसे ही जमानत मिली है बस उसके बाद ही ईडी का नोटिस जो है वो आ चुका है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल नोटिस मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी अच्छा, क्या लगता है इस बार के समन में वो ईडी के सामने पेश होंगे या फिर पिछली बार की तरह चीजें देखने को मिलेंगी? देखिए, यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की और जिस तरीके से नोवा नोटिस मिला तो उसके अंदर अरविंद केजरीवाल को पेश होना हो सकता है। मगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल शायद पिछले 8 नोटिसों की तरीके से ही कहीं ना कहीं इस नोटिस का भी जवाब जो है वो दिया जाएगा। मगर शायद उम्मीद यही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल 9वें नोटिस पर भी ईडी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। अगर उपस्थित होते हैं तब कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बन सकती है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। मगर पूछताछ का जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किस तरीके से दिया जाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगाती नजर आ रही है कि भाजपा जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है
वो गलती होना जरूरी है। मगर आप देखना होगा इसके नौवे नोटिस क्या अरविंद केजरीवाल भाजपा में ही पहुंचेंगे या फिर पिछले आठ नोटिसों की तरह जवाब दिया जाएगा कि जानबूझकर नोटिस जो है वो गलत तरीके से दिए जा रहे हैं। जी राजीव, ये तो अक्सर ये बातें होती रहती है, आज कोई नई बात नहीं है कि ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन देखिए, ये चीजें जो अभी हुई हैं, ईडी द्वारा जो नवा समन जारी किया गया है, वो भी ऐसे समय पर, महापर्व है लोकतंत्र का, और ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए कितना अहम होता है। जनता के साथ पार्टियां जो हैं वो तैयारी करती हैं। तो अब देखिए, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी का समन जारी कर देना, तो क्या ये सवाल सही हो सकता है कि सरकार जो है वो ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और खुद पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो मतलब केंद्र सरकार उनको आगे बढ़ने नहीं दिया देना चाहती है, इसलिए सीबीआई और ईडी का शिकंजा उन पर कसती है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से लोकसभा के बड़े स्तंभ की बात करें या फिर कहें चुनाव की बात करें, तो जिस समय चुनाव से प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है, दूसरी तरफ तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है, पर ऐसे अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिलता है और अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जाति नीतियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनाव के समय ही इस तरीके की नोटिस जो है वो कहीं ना कहीं यही इशारा करते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जानबूझकर जो है भेज रही है ताकि आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा सके, और यही आरोप जो है बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जांच के अंदर क्या सहयोग करेंगे या पूछताछ के लिए वो उपस्थित होंगे, इन सभी सवालों का जवाब जो है वो कह सकते तारीख पर ही हो पाएगा। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसके साथ जाहिर है कहीं ना कहीं वो चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही कहीं ना कहीं ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए।